लोग देखो क्या नजर आ रहा है। अरे वो सब ने ये देखो, तो गाड़ी पड़ी है ना वो देखो, और मेंटेन भी किया हुआ है। मेंटेन इसलिए है कि इसमें लोग नहीं कूदते हैं। अगर लोग को कूदने के रख रखा ना इधर, तो ये भी मैसअप हो जाएगा। बाकी यार यहाँ पे ये वाली चीज इंटरेस्टिंग है, ये जो दिख रहा है ना, ये खंडेर जैसा है। पता नहीं कोई जाता होगा नहीं जाता होगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं, और अभी मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का रेडी हुआ हूँ। और अभी आज कहीं क्लब में नहीं जा रहा हूँ मैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि नगरचर्या जो जिसे बोलते हैं ना, उदयपुर की गलियों में, उदयपुर के मार्केट में घूम के आते हैं। कल तो गया था, तो क्लब में गया था, तो जाना किसी और क्लब में था, चला गया किसी और क्लब में। तो अभी रेडी हुआ हूँ, बस अभी शूज डाल दूँ और उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ। वैसे तो इधर रात के 8 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है, पर स्पेशली मैं जहाँ पे रुका हुआ ना, वहाँ तो एकदम सन्नाटा है। अभी बाहर जाओ तो लाइट भी चालू नहीं होती है। तो चलो बैठे बैठे क्या करेंगे, अभी आज लास्ट डे है, तो थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। तो गाड़ी हमारी बाहर रेडी है, शूज पहन लूँ और फिर यहाँ से अबू चक्कर। बाकी नॉर्मल से कपड़े डाल दिए हैं और पूरा रूम मैसअप पड़ा है। कल सुबह तो ऐसा कंटाला आएगा ना करने में पैकिंग। बाहर का नज़ारा देखो, अभी मैं बोल रहा था ना, देखो है सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे बोलते हैं ना। ये पूरे मेंशन में हम अकेला है, अपन अकेला है। एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग राजमहल जैसा बन रहा है, वह रिसोर्ट ही होगा। तो चलो भाई, अकेले यहाँ पे रहना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। चलो लॉक कर देता हूँ। अभी जाऊंगा मैं नेक्सस मॉल, यहाँ से 13 किलोमीटर है, 25 मिनट का रन है। तो चलो देखते हैं नेक्सस मॉल में क्या है, मॉल में क्या होता है भाई। अपने को तो क्या है, टाइम पास करना है। चलो चलते हैं। लो जी, लो पहुंच गए नेक्सस मॉल। इसे खूबसूरती देखो यार, क्या गजब है यार, गजब एक नंबर। क्या उसको सजाया हुआ है लाइट से, हैं देख रहे हो? अरे वाह। चलो भाई उसको अंदर से और बाहर से थोड़ा पास से जाके देखते हैं। हाँ ये क्या बात हो, इसमें पार्किंग की कुछ है ही नहीं, गाड़ी मैंने वहाँ पार्क कर दी है ना। और यहाँ से अंदर इसका एंट्रेंस भी साइड की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है, साइड की तरफ है। और मैं लास्ट टाइम आया था तब थिएटर नहीं खुला था, अब तो थिएटर भी खुल गया। देखो बोर्ड लगे हुए हैं। ये है भाई मॉल, बाकी सब मॉल की तरह ये भी एक मॉल है, उदयपुर का एकमात्र एक लौता मॉल। चलो देखते हैं और क्या क्या है अंदर। यहाँ फूड स्टॉल्स भी है बहुत सारे, टॉप फॉर्मर फूड स्टॉल्स देख रहे हो, ये सारे के सारे। ये इसके बाहर का नज़ारा है, इतना सुंदर बनाया हुआ और मेंटेन भी किया हुआ है।
मेंटेन इसलिए है कि इसमें लोग नहीं कूदते हैं। अगर लोग को कूदने के रख रखा ना इधर, तो ये भी मैसअप हो जाएगा। बाकी यार बाहर का देखो इतना मस्त है भाई, ज़बरदस्त। और ये चीज़ भाई, मैं तो निकला, साथ में ये पिज़्ज़ा पैक करवा लिया है, रूम पे जाके थोड़ा बहुत खा लूँगा। लो जी लो, आ गया तुम्हारा भाई वापस, है ना। ऑलमोस्ट 11:15 जितना हो गया, अब सो जाऊंगा मैं, मस्त लंबा लेट सो जाऊंगा मैं। सुबह की बात, सुबह सब लोग, मैं तो एकदम ठीक हूँ। एसी इसलिए दिखाया क्योंकि एसी की ज़रूरत नहीं है, मौसम इतना ठंडा ठंडा है ना, और मज़ा आया। खाली फ़ैन हल्का फुल्का चालू करके सोया था। ये दो दिन इतने अच्छे रहे, इतने मज़ा आया। सोलो ट्रिप में बस अपने आप से बात करो और आपसे बात करो, जब आपसे बात नहीं करो तब अपने आप से बात करो, बहुत अच्छा रहा। अभी अभी जस्ट उठा हूँ, 10:30 के आसपास हो गए, कल अच्छे से थका हुआ था तो अच्छे से सो गया। बस अभी उठूँगा, फ्रेश होऊंगा और चेकआउट करके निकलेंगे। सबसे पहले फतेह सागर लेक को होते हुए जाएंगे। उदयपुर आए हो, फतेह सागर लेक नहीं देखा तो क्या उदयपुर में। लो भाई सामान पैक हो गया, ये जूते खाली इसके अंदर डालने हैं और कपड़े वही वाले रात वाले, है ना, क्या दूसरे निकालूँ, है ना। अभी घर पे ही जाना है और घर जाके क्या पता कपड़े खुद धोने पड़ जाए, है ना। खुद धोने पड़ेंगे तो एक कपड़ा तो कम रहेंगे ना, जो दो पैर ऑलरेडी पड़े हैं वो तो धोने से रहे ना। हो सकता है भाई घर जाके बोलो भाई कपड़े अपने खुद ही धो, खुद घूमने चले गए थे तो खुद ही धो। चलो भैया को बुलाते हैं और चलते हैं गाड़ी में। चलो भाई ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को बाय बाय बोल देते हैं, स्विमिंग पूल विला, क्या बात है। बाकी इधर का स्टे मेरा बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, कंफर्टेबल था, सर्विस वर्विस ऑल गुड, एक नंबर, 5 स्टार 5 रेटिंग। चलो गाड़ी में सामान लोड करवा देते हैं, फिर बकाया बिल दे देते हैं और चलते हैं यहाँ से। ओ रिसेप्शन एरिया, 4 कैटेगरी है टोटल इसकी। एक गाड़ी तो मैंने छोड़ दी थी भाई, चालू करके छोड़ दी थी, बोला गर्म हो थोड़ी, अरे सॉरी गर्म थी तो ठंडी हूँ, क्या बोल रहा हूँ यार। इसमें 4 कैटेगरी है, ये सामने जो है वो डिलक्स रूम है। कितना रिटेक करता है भाई, कितना रिटेक करता है। सामान तो मैंने पीछे ही रख दिया है, डिक्की विक्की में रखता नहीं है, क्योंकि क्या है डिक्की में रखूँगा तो फिर बॉर्डर पे एज यूजल पुलिस वाले भैया रुकेंगे चेक करेंगे, इससे अच्छा इधर से देख के चेक करो। और कुछ तो है नहीं, हम कुछ ड्रिंक विंक लेके नहीं जाते। और वही तो मैंने बोल रहा था कि यहाँ पे ये डिलक्स रूम, मैं जो रुका था वो विला, लेफ्ट साइड में मैंने पहले दिखाया वो हट, और राइट साइड में स्विमिंग पूल के एग्जिट ऊपर की तरफ जो था वो सूट रूम था। 4 कैटेगरी है और नॉर्मल रेट में ऑफ सीजन में मिलेगा। अभी अक्टूबर के बाद भैया ने बोला कि अक्टूबर के बाद रेट थोड़े बढ़ जाते हैं, तो ठीक है। ठंडी का मौसम था, रिजॉर्ट बहुत अच्छा था, जैसे मैंने सोचा था उससे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो अभी सबसे पहले मैं जाऊंगा फतेह सागर लेक, उसके बाद आगे। सो फतेह सागर लेक तक तो पहुंच गया हूं मैं, और ये लेक इतना सुंदर लगता है ना भाई, बहुत सुंदर है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बोटिंग होता है ना, और कुछ नहीं होता है, बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही। ये गाड़ी साइड में पार्किंग में लगा दी है, तो थोड़ा नीचे उतर के देख लो है नज़ारा।
फिर भी यहाँ पे ये वाली चीज़ इंटरेस्टिंग लगी। ये जो दिख रहा है ना, ये खंडेर जैसा है, पता नहीं कोई जाता होगा नहीं जाता होगा। बाकी इस तरफ तो आगे की तरफ खाने पीने का है, और ये नेहरू गार्डन, वहाँ पे भी जाना रह गया है, देखेंगे कभी। इस बार ध्यान रहा नहीं तो कल ही आ जाता, नहीं तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला नेहरू गार्डन, ये बाकी पहाड़ों का नज़ारा और ये समुंदर, छोटा समुंदर। मैं तो इधर धूप की वजह से छाँव में ही खड़ा हूँ भाई। इसको झीलों का शहर बोलते हैं, माउंटेन एंड झील। सारे रिसोर्ट घर ऑलमोस्ट पहाड़ के ऊपर ही हुए, और छोटे मोटे पहाड़ के ऊपर दूर दूर तक। वो देख रहे हो, वो होटल है, कौन सी होटल है पता है? मेरे को भी नहीं पता है, एक्चुअली मेरे को पता था पर भूल गया। तो अभी यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो निकलता हूँ। हेलो भाई, यार टाइम तो स्पेंड कर लिया मैंने। मैं मेरे बालों की रिंग ढूंढ रहा हूँ, रिंग नहीं है, पता नहीं कहीं रख दी है गाड़ी के अंदर, इसलिए चश्मा लगा रहा। बाल आगे आ जाते हैं ना, मेरे को इरिटेशन होता है ना, अभी मिल नहीं रही है। ठीक है चलो, अभी गाड़ी में ही बैठना है। सो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी रिटर्न करनी जर्नी 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 रिटर्न जर्नी स्टार्ट करता हूँ। अब जाऊँगा घर पर, खाना अभी ब्रेकफास्ट किया था तो इधर खाने की इच्छा हुई नहीं, कुछ भूख लगी नहीं है। आगे जाके खाऊंगा और बीच में कहीं पे खाऊंगा। चलो अभी चलते हैं अपनी रिटर्न जर्नी घर की तरफ। सीमा है ना, इधर पुलिस वाले भैया ये वाली गाड़ी रोक के तो अक्सर रोकते ही है, देखते हैं रोकते है, नहीं रोकते। रोका, चेक किया, इसमें बैग खोल के नहीं चेक किया, शायद जान गए, पिछली बार भी दो तीन बार आपको चेक किया था। जाओ, लास्ट टाइम की तरह इतना लंबा चेकिंग नहीं हुआ, बस एक मिनट में देख लिया सब, ऊपर ऊपर से देख लिया। आ गया KFC, वर्ल्ड फेमस KFC है ना, बॉर्डर के जस्ट बाजू में। अब यहाँ पे रुकूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा। अरे EV चार्जिंग भी आ गया, सब जगह पे देखा मैंने, नोटिस किया बहुत जगह पे EV चार्जिंग था। चलो यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम यूज करेंगे, सुसु वसु कर लेंगे और एक कॉफी ले लेंगे, कॉफी पीऊंगा एक। वॉशरूम तो अच्छे है यहाँ के, अभी देखो यहाँ पे कूल कॉफी मिले। सोचा कॉफ़ी ले रहा हूँ तो इधर 5-10 मिनट बैठ के ही पियो, है ना, तब तक कंटिन्यू चल रहा हो तो गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए। क्या बोल रहे हो, 10 मिनट तक इधर बैठूँ तब तक चलूँगा। भाई यहाँ से बाहर निकलते वक्त देखो क्या नज़र आ रहा है, अरे वो सब नहीं, ये देखो दो गाड़ी पड़ी है ना, वो देखो, एक आगे से ठुकी हुई है, एक पीछे से ठुकी हुई है, देख रहे हो। ये लो भाई, पहुंच गए घर,
और घर जाके अभी फ्रेश होकर सो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वाली जर्नी मेरी पसंद आई होगी, पसंद आया तो प्यार दिखाना है ना। तो पसंद आया तो प्यार दिखाना, मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू, सायनारा।